I'm not going to be able to do this.
प्रस्तुति होने जा रही है। सभी से प्रार्थना है कि यहाँ पे हमारे जो मंडली में शिवानी बहन है उनके द्वारा अवध में राम पधारे इस मंत्र इस भजन का यहाँ पे प्रस्तुति होगी और उसी के समय राम लक्ष्मण सीता और हनुमान जी ये पर यहाँ वो भी यहाँ पे पधारेंगे। तो आइए साथ मिलकर यहाँ पे और जैसे ही वो लोग यहाँ आ जाएंगे उनको भी चेयर पर यहाँ पे बिठा दिया जाएगा और फिर हम उन्हीं के शरण में उन्हीं की आज्ञा से उन्हीं के प्रसाद से 11 हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे। यहाँ पे आज रिकॉर्ड होने वाला है, इतनी स्पीड में हनुमान चालीसा आपने कभी नहीं सुनी होगी। आज हम सिर्फ आधे घंटे के अंदर 11 हनुमान चालीसा करेंगे और सभी को साथ लेना है क्योंकि मैं ऐसा चाहता हूं कि धीरे से हनुमान चालीसा गाने में शक्ति नहीं आएगी, ये तो हमारा विजय हुआ है युद्ध में। तो यहाँ पे ऐसी शक्तिशाली हनुमान चालीसा का पाठ करें कि पूरे विश्व के अंदर राम जी भगवान और हनुमान जी महाराज का नाम रोशन हो जाए। आइए यहाँ पे शिवानी बहन के द्वारा राम जी का भजन पूर्ण करते हुए राम जी को बुला पहले एक बार जोर से जयकार कीजिए। बोलो श्री रामचंद्र भगवान की जय। Yeah.
Thank you.
Yeah.
I'm gonna go to the
Thank you.
Yeah.
Thank you.
Oh,
यहां का राम दरबार ही ऐसा है कि जहां पे हनुमान जी महाराज को भी मन से भजन गाने की और मन से आप सभी को सुनाने की इच्छा होती है। ये यहां से गाया जाता है। हां, यहां से गाया जाता है। तो आपसे ताली बजा लो हमारे हनुमान जी को। जो आपसे ताली, ये जो हमारे हनुमान जी बने हैं वो गोविंद जी हैं, हमारे परम मित्र हैं और सभी लोग उनको जानते हैं। कभी भी मैं उनको बुलाता हूँ वो रेडी होकर तुरंत आ जाते हैं, बोले मैं हनुमान जी बोलूंगा और सभी को आशीर्वाद अच्छा सा देते हैं। बहुत ही अच्छा कार्यक्रम भी वो शोभायमान करते हैं। वैसे गोविंद जी हैं, उसके साथ यहाँ पे जो गणेश जी बैठे हैं, जो माता बनी है, जो यहाँ पे राम जी हैं, जो लक्ष्मण जी हैं, जो सीता माता है, एक बार ताली उनके माता पिता के लिए भी लगा दीजिए। गणेश जी बने हैं, जो माता जी बने हैं, उनके माता पिता ने उनको ये सजाने के लिए एक महीने से वो लोग सब तैयारी कर रहे हैं। जो राम जी बने हैं, जो सीता जी बने हैं, जो लक्ष्मण जी बने, उनके माता पिता ने भी बहुत रात दिन मेहनत करके आज कई माता पिताओं की तो जॉब भी थी, लेकिन ऐसे पराक्रम कार्यक्रम करने के लिए उन्होंने छुट्टियां भी ले ली थी कि हमारा बच्चा अगर लक्ष्मण बन रहा है, हमारा बच्चा राम बन रहा है, तो इससे बड़ी खुशी क्या है। फिर मैंने उनको बोला भी, मैंने बोला यहाँ पे राम लक्ष्मण बना रहा हूँ, फिर ऐसा ना हो कि घर पे ही उनकी पूजा करते रहो, मंदिर ही ना हो, लेके आना और उनको भी भगवान की भोलेनाथ जी की सेवा में लगाना, जैसे राम जी ने रामेश्वर भगवान की सेवा की है। कि जिसके बुजुर्गों ने, पितरों ने, कई ऐसे साधु संत भी थे जिन्होंने अपना बलिदान दे दिया है ऐसे मंदिर बनने के लिए, और हमें कभी भूलना नहीं चाहिए इसको। आज दिल से जय श्री राम बोलकर उस जितने भी साधु संत, जितने भी इस कार्यक्रम के अंदर भगवान के मंदिर बनाने में जिनका बलिदान हुआ है, उनके लिए जोर से जय जयकार की बात कहिएगा। बोलिए श्री राम चंद्र भगवान की जय। एक ही नारा, एक ही नाम, जय श्री राम, जय श्री राम। एक ही नारा, एक ही नाम, जय श्री राम, जय श्री राम। एक ही नारा, एक ही नाम, जय श्री राम, जय श्री राम। अभी भी जितना मैंने मेहनत की, 11 हनुमान चालीसा बोलकर इतनी मेहनत की नहीं हुई, एक बार फिर भी मुझे खुशी करने के लिए अपनी जितनी ताकत हो लगा लो, जितनी ताकत, मैं मोबाइल के बगैर, मैं माइक के बगैर बोलता हूँ, ठीक है, फिर देखते हैं किसका आवाज ज्यादा है। एक ही नारा, एक ही नाम, जय श्री राम, जय श्री राम। एक ही नारा, एक ही नाम, जय श्री राम, जय श्री राम। एक ही नारा, एक ही नाम, जय श्री राम, जय श्री राम। जीत गए भैया मेरे।